जो आप ये मेरे पीछे ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन बादशाह साहब की वालिदे मोहतरमा यहाँ पे मौजूद हैं। एक मिरास है जिसकी एक शहरी खास में खास अफादियत है, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं सब यहाँ पे वो आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जो आप ये मेरे पीछे ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन बादशाह साहब की वालिदे मोहतरमा यहाँ पे मदफूम है और उन्हीं के ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इसका नाम उसको बोलते हैं बादशाह टॉम। ये हमारी एक मिरास है जिसकी शहरी खास में ख़ास अफादियत है, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं सब यहाँ पे वो आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। मगर आप देखिए, ख़ुद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी क्या खस्ता हाली है, कोई इसकी तवज्जो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पुष्पस्थ में डाल दिया है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि इसकी दीवारें सब टूटी हुई है। हम ASI और हुकूमत से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि इसको इसकी शान नव गुज़िश्ता को बहाल किया जाए फौरी तौर पर और जल्द से जल्द इसकी जो रिनोवेशन का काम है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझिए, 1800 लेट 18 सेंचुरी में बनाई हुई है बिल्डिंग है, ये है मॉन्यूमेंट है। आज भी तो मुमकिन ही नहीं कि ऐसा बन सकता है कोई, ये तो शाहूकार उसी टाइम पे था। इसको हम, ये हमारी मिरास है, इसको हमें प्रिजर्व करना है। नए से सोचना भी नहीं होता कि ये नया से कोई बन सकती है। गवर्नमेंट से यही मुतालबात है कि इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो दी जाए। ये एक शहरी खास की एक पहचान है और जो जितने भी टूरिस्ट लोग हैं सब यहाँ आते हैं ये देखने के लिए। मगर हम सरकार ने यहाँ की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पे खस्ता हाल हुई है, यहाँ की जो दरो दीवार है सब टूट गए हैं। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए और इसको इसकी जो शान है वो बहाल की जाए।